हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी फार्माकोरीज। आज मैं केमिस्ट्री लैब में हूँ और हम बात करेंगे रोटा एवापोरेटर की। केमिस्ट्री लैब का सबसे ज़्यादा यूज होने वालों में से एक इक्विपमेंट है रोटा एवापोरेटर। रोटा एवापोरेटर का वर्क होता है कि वो कोई भी कंपाउंड और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो उनको सेपरेट करने में ईजीली सेपरेट कर सकता है। अब देख लीजिए, कोई भी कंपाउंड मेरा प्लांट एक्सट्रैक्ट हो सकता है, और भी कोई भी कंपाउंड मैंने कोई भी सॉल्वेंट में उसको मिक्स किया, तो यहाँ पे मेरा कंपाउंड और मेरा सॉल्वेंट है वाटर। इसमें सॉल्वेंट में आपका एथेनॉल, वाटर, DCM कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन मेरे पास वाटर में कंपाउंड मेरा डिजोल्व है या मिक्स है। अब इसको मैं सेपरेट करना है तो किस बेसिस पे करूँगा? एक तो इसको मैं बॉइलिंग टेम्परेचर पे, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100, लेकिन 100 पे नहीं, हमने 65 या 60 के अराउंड टेम्परेचर रख के भी इसका प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। देखो, प्रेशर रिड्यूस करने पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो हम इसी प्रिंसिपल पे करते हैं कि प्रेशर रिड्यूस करके उसका बॉइलिंग पॉइंट पे उसको इवेपोरेट करके सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेट हुआ और यहाँ पे कंडेंसर लगा है, ये चिलिंग करता है और वापस इसको यहाँ पे इवेपोरेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सो इसको हम कहते हैं रोटरी फ्लास्क, जो कि रोटेट होता है, ये देखिए। और इसको हम कहते हैं रिसीविंग फ्लास्क, ये हमारा वाटर बाथ। और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा डिप किया, वाटर बाथ का टेम्परेचर है 65। अब मैं यहाँ से रोटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, रोटेशन का क्या प्रिंसिपल है कि इसको हीटिंग के लिए सरफेस एरिया मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, रोटेट हो रहा है, और इससे यहाँ से मैं प्रेशर को रिड्यूस कर रहा हूँ। जब प्रेशर रिड्यूस, जैसे देखो, प्रेशर रिड्यूस करूँगा, इधर से बबल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ से, तो इतना प्रेशर रखना है नॉर्मली रिड्यूस करके कि ये सॉल्वेंट बम्प होके इधर ना आ जाए, थोड़ा थोड़ा बबल बनते रहे और इवेपोरेट होता रहे। तो देखिए, जैसे मैंने प्रेशर रिड्यूस किया इसको, ये वाल है, इस वाल से कम ज़्यादा कर सकते हैं प्रेशर को, तो वहाँ पे इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो गया और इसमें कलेक्ट हो जाएगा अपना। सो इसका यूज़ यही है कि जब भी प्लांट एक्सट्रैक्शन हो या कोई भी सॉल्वेंट मिक्स करने के बाद उसको इवेपोरेट करके सेपरेट कर सकते हैं। आप इवेपोरेशन देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा है, वापस जो इवेपोरेटेड है वेपर्स वो कंडेंस होके वापस कलेक्ट हो रही है इधर, ओके। और ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। और किससे हो रहा है ये मिक्सचर देखिए आप, ये कितना कलर्ड दिख रहा है। ड्रॉप बाय ड्रॉप और केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे प्रोसीजर्स में, हर लगभग केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक मेथड है, वो है रोटा एवेपोरेटर। असेंबली आपको दिख रही है, ये अभी वर्किंग पे है। मेरा इसमें वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एवेपोरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर यहाँ पे इथेनॉल होता या DCM होता तो बहुत इजीली एवेपोरेट होकर सेपरेट हो सकता था। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तब जाके एवेपोरेट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, लेकिन यहाँ पे 65 पे ही हम इसको एवेपोरेट कर लेंगे क्योंकि हमने प्रेशर को रिड्यूस किया है, ओके। जैसे ही हमने, देखो यहाँ पे आपको, देखो ये बम्प हो गया मेरा सॉल्वेंट। जब आप एकदम से प्रेशर ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं तो सॉल्वेंट बम्प पूरा ही बम्प हो जाता है। देखो इधर आ गया पूरा। अब मेरे को वापस यहाँ से लेके इसमें डालना पड़ेगा, इसको वापस वॉश करके पूरा इधर डालो और स्टार्टिंग से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं प्रेशर ज़्यादा एकदम इंक्रीज करूँगा, ये बम्प होके इधर आ जाएगा।
एकदम से सब सॉल्वेंट नहीं, पूरा कंपाउंड इधर आ जाएगा। सो इसमें अपने को ध्यान रखना होता है, ये देखो ये पूरा आ गया ना एकदम, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के यूज़ करने के लिए देखो 10 सेकेंड्स बाद ये डोर अपने आप क्लोज हो जाता है। यहाँ पे जो वाल्व है वो प्रेशर रिडक्शन प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं इससे। करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने थोड़ा सा इसमें इथेनॉल लिया है या वाटर कुछ भी आप सॉल्वेंट ले लो, और इसको वॉश करने के लिए मैंने यहाँ लगाया है इसको, और यहाँ से मैं वाल्व बंद करके प्रेशर रिड्यूस करूँगा। प्रेशर रिड्यूस किया तो यहाँ पे प्रेशर आया, मैं एकदम छोड़ूंगा इसको, ये देखो ये वॉश हो गया, प्रेशर रिलीज कर दो। ओपन इट, ये जो रिसीविंग फ्लास्क था उसमें क्योंकि बम्प हो के आ गया, तो इसको वापस वॉश करके हमने वापस जो रोटेटिंग फ्लास्क है उसमें डालना है, और इसको स्टार्टिंग से जो भी सॉल्वेंट इवाप्रेट होकर सेपरेट होता क्योंकि उसमें पूरा मिल गया ये, उसका स्टार्टिंग से वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बम्प हो जाता है, कैसे इसका ध्यान रखता है, वो सब भी हम सीख गए, और प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज करना है ध्यान रखते हुए। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।